नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिवाइन मिस्ट्रीज में। हम सब ये तो जानते हैं कि महादेव के गले में एक सर्प सदैव रहता है, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर वासुकी नाग को महादेव ने गले में धारण क्यों किया। तो आज हम आपको इसके पीछे की पौराणिक कथा बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। जब शिव ने शक्ति को स्वयं से पृथक कर दिया तो वो पूर्ण रूप से वैरागी हो गए। इससे सृष्टि संचालन में कठिनाई उत्पन्न हो गई। इनके वैराग्य को समाप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने वेदों की निंदा की और उनका पंचम सर शिव के कोप का भाजन बना। फिर विष्णु जी ने लीला रची। विष्णु जी ने अपने वाहन गरुड़ को पृथ्वी पर सर्पों का अंत करने भेजा। सर्पों को रहने के लिए पाताल लोक मिला था, लेकिन बहुत से सर्प पृथ्वी पर आ गए और उत्पात मचाने लगे थे। गरुड़ द्वारा सर्पों का अंत देख वासुकी महादेव की शरण में गए और उनसे रक्षा की विनती की। जो सर्प शांतिपूर्वक पृथ्वी पर हैं, उन्हें रहने दिया जाए। महादेव ने उन्हें सुरक्षा का वचन दिया। वासुकी गरुड़ को रोकने चल दिए, लेकिन पराजित हो गए और युद्ध में अधिक पीड़ा सहने के कारण महादेव का आह्वान किया। महादेव ने प्रकट होकर गरुड़ को वासुकी पर प्रहार करने से मना किया, लेकिन विष्णु जी की आज्ञा की बात बोलकर गरुड़ फिर से आक्रमण करने चला। इससे महादेव क्रोधित हो गए। फिर गरुड़ ने विष्णु जी का आह्वान किया। धर्म और वचन के कारण विष्णु जी और महादेव में युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध के मध्य विष्णु जी ने महादेव के कंठ को दबा दिया। इससे क्रोधित होकर महादेव ने विष्णु जी पर त्रिशूल से उनके हृदय पर प्रहार किया। ऐसा करने के उपरांत महादेव को अपराध बोध हुआ कि उन्होंने अपने आराध्य पर त्रिशूल से प्रहार किया। उनके नेत्रों में अश्रु आ गए और वैराग्य भाव से बाहर आए। ये दृश्य देख विष्णु जी ने महादेव को बताया कि ये लीला उनके वैराग्य भाव को खंडित करने के लिए रची। गरुड़ ने इसी लीला के पालन हेतु उनकी अवज्ञा की। विष्णु जी द्वारा महादेव के कंठ पर जो चिन्ह बना, उस कारण विष्णु जी ने महादेव को श्रीकंठ उपनाम दिया। सर्पों को हीन दृष्टि से देखा जाता था, कोई भी प्राणी उन्हें पसंद नहीं करता था। इसलिए महादेव ने वासुकी को वर मांगने को कहा। वासुकी ने बताया कि गरुड़ जो उनका सोतेला भाई है, उसे विष्णु जी का वाहन होने का सौभाग्य मिला, तो थोड़ी कृपा सर्पों पर भी हो और सम्मानजनक स्थान उन्हें समाज में प्राप्त हो। फिर भोलेनाथ के नाम से जाने वाले महादेव ने उन्हें तथास्तु कहा और प्रसन्न होकर वासुकी को पूछा कि क्या तुम मेरे कंठ को सुशोभित करोगे। वासुकी ने नतमस्तक होकर आभार व्यक्त करते हुए महादेव के कंठ पर स्थान पाया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।